नीचे लोगों का कहना था, क्या उछल कूद कर रहे हो, चोट लग जाएगी, और इन्हें ये करने से रोकते थे। आज मुजाहिद की यही कूदकार इनकी शोहरत की वजह बन गई और इसी फन ने इनका नाम रोशन किया। वैसे तो ये सातवें आठवें क्लास से इनकी उछल कूद में कहूंगा वो जारी थी, और जब ये हाई स्कूल में ग्रीनवुड स्कूल के अंदर आए तो इनको जिमनास्टिक के अंदर और आपके गोलों के अंदर से कूदने का इनको मौका दिया गया एनुअल फंक्शन में, उसके अंदर इन्हें प्राइज वगैरह मिले और उसके बाद में इनका हौसला अफजाई हुई। फिर ये घर के अंदर यहाँ इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और उस पर टीवी पे वीडियो पे उन लोगों को देख देख के उन्होंने अपना वो काम करा। अल्लाह ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। माना कि एक खतरों से भरा हुनर है पर मुजाहिद अपनी प्रैक्टिस में सेफ्टी का खास ध्यान रखते हैं और प्रैक्टिस ही इंसान को उस फन के काबिल बना देती है, और आज ये अपने फन में महारत रखते हैं। पार्कोर पहले गैर मुल्कों में ही जाना जाता था, अब इस खेल को मुजाहिद की वजह से हिंदुस्तान में भी लोग जानने लगे हैं। मुजाहिद के वालिद कहते हैं कि उन्हें देर से इस फन की अहमियत का पता चला, नहीं तो वो मुजाहिद के लिए कोई उस्ताद रखते या कोचिंग दे पाते, मगर मुजाहिद ने अपने बल पर अपना मुकाम हासिल किया। मना नहीं, वो डरते हैं, खेलना तो सभी जाते हैं, लेकिन जब वो लोग ये देखते हैं वीडियो से ऐसा कर रहा है कि ऊंचाई से कूद रहे हैं, लेकिन उन्हें ये चीज पता नहीं, वो डरते हैं कि बाय चांस कुछ हो सकता है, रेल इसके अंदर है रेस, लेकिन हम सेफ्टी के साथ करते हैं। जब भी कोई चीज पहले ट्राई कर रहा होता है 10 लोग खड़े होते हैं उसके आस पास पकड़ने के लिए, कोई नीचे ना गिरे, ऐसा हम बेहतर भी करते हैं। मुस्तकबिल में ये अपने दायरे और वसी करना चाहते हैं और पने फन को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। मुजाहिद भाई काफ़ी एक्टिव हैं और माइंड को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। हम सब में से इतनी जल्दी कोई माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी मुजाहिद भाई उस चीज़ को, उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, उनके अंदर एक खुद गॉड गिफ्ट या एक्टिविटी बहुत अच्छी है कि वो कोई क्लिप देख के बस सोचते नहीं हैं और उसको कर देते हैं। इसी वजह से जब वो मुजाहिद भाई करते हैं तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, करने का साहस मिलता है, तो फिर वो फ्लिप हम कर देते हैं। इसलिए मुजाहिद भाई जो हैं बहुत अच्छी फ्लिप करते हैं और उनसे सीखने की हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं के साथ जुड़े रहें। देखिए पार्कोर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि मैं एक्चुअली इसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे लिए एक नशा है, एक कीड़ा है जो मैं रोज काटता है। भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। उत्तराधन ये था हुनर।